शाहजहांपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर डॉक्टरों एवं नर्स का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली नर्सों को सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर के बाद सबसे ज्यादा कार्य करती है एवं इंसान के विपरीत कंडीशन में टीकाकरण से लेकर हर मोर्चे पर कार्य करती है। पिछले कोरोना काल में कई नर्स ऐसी है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई, तो कई नर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं कोरोना काल में दी है। इसी को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आज नर्सों का सम्मान किया गया। आज 12 मई के उपलक्ष्य में, 12 मई अर्थात नर्सिस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर नर्सिस और डॉक्टर्स के सम्मान का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमने ये क्लियर किया उनको कि आपने कोरोना काल में, कोविड के समय पूरे दिलो जान से और दिल से जो अनेक पेशेंट की, अनेक मरीजों की सेवा की है, उसको और प्यार से करने के लिए आपको अगर और पावर चाहिए तो मेडिसिन के साथ साथ आप मेडिटेशन को भी जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन केवल एक दवाई है जो शरीर को स्वस्थ रखेगी और मेडिटेशन एक ऐसी दवाई है जो हमारी आत्मा को भी स्वस्थ रखेगी। और मेडिटेशन अर्थात स्वयं को पहचान, उस परमात्मा से अपने बुद्धि को जोड़ लेना और अपनी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी कि आज तो आप सभी दिल से सेवा करते ही हो, लेकिन और दिल से हम कैसे सब पेशेंट की सेवा करें और कैसे उनके अंदर शक्ति भरें, अपने अंदर शक्ति भर करके उन पेशेंट के अंदर भी शक्ति भरें, उनके अंदर उमंग उत्साह लाएं और उनके अंदर एक ऐसे सुविचार पैदा कर दें कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ। ऐसी मेडिटेशन के द्वारा ये शिक्षा दी गई ताकि वो और प्यार से सेवा करें और सभी अपने अंदर भी पावर भर, सबको पावर दे सके। शाहजहांपुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।